हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, ह्यूमंस आर सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरिस। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी जो ऑफस्प्रिंग होती है उसको प्रोड्यूस करने में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इस टाइप का जो भी रिप्रोडक्शन होता है हम क्या बोलते हैं उसको, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। एंड विविपेरिस, विविपेरिस कौन से एनिमल्स होते हैं या फिर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जैसे ही डायरेक्टली अपने जो भी बेबी होते हैं उसको डायरेक्टली बर्थ देते हैं, गिव बर्थ टू ए बेबी। ऐसे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम क्या बोलते हैं उनको, विविपेरिस। जो भी ह्यूमंस होते हैं कैसे होते हैं, सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरिस। उसके बाद देखो, जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके जो भी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं 6 इवेंट्स। ये इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस। नाम से डिनोट हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो भी गैमेट्स होते हैं उनको फॉर्मेशन करने की जो भी प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब जो भी गैमेटोजेनेसिस होगा इससे हमारे टू टाइप्स के गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जो भी मेल गैमेट होगा हम इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। और जो भी फीमेल गैमेट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवम। दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। या फिर हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद जो सेकेंड इवेंट होता है वो होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होगा, कोई भी जो स्पर्म यानी कि जो भी मेल गैमेट फॉर्म्ड होगा, जैसे उसका फीमेल का जो भी जेनिटल ट्रैक्ट होता है जैसे उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। गैमेटोजेनेसिस में हमारे गैमेट्स बने स्पर्म्स एंड एग और ओवम। और जैसे कि पता है जो भी एग या फिर जो ओवम होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कैसे होता है, ये स्टेशनरी होता है। और जो भी स्पर्म होता है ये कैसा होता है, मोबाइल होता है यानी कि ये मूव कर सकता है। तो जैसे ही इसका फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का मूवमेंट हो जाएगा, फिर सिंपली हम बोल सकते हैं जैसे इसका ट्रांसफर हो जाएगा, वो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, इंसेमिनेशन। नेक्स्ट इवेंट्स इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो भी यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होने के बाद जैसे जो भी स्पर्म होता है वो जैसे ही फीमेल गैमेट एग या ओम के साथ में फर्टिलाइज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जैसे कि पता है जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन हमेशा कैसा होता है, इंटरनली। इंटरनली मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। इस टाइप का जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो भी स्पर्म कैसे होते हैं, ऑलवेज हैप्लोइड, एंड एग भी हमेशा कैसा होता है, हैप्लोइड। जो भी गैमेट्स होते हैं उनका प्लोइडी लेवल हमेशा क्या होता है, हैप्लोइड। और जैसे ही इनका फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट का प्लोइडी लेवल क्या होगा, डिप्लोइड। तो इस टाइप के जो भी प्रोसेस होते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस। देखो, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना, जाइगोट कैसे बना, देखो एग जैसे ही स्पर्म के साथ में इसका फ्यूजन हो जाएगा हमारा क्या बनेगा, जाइगोट। देखो, ये प्रोसेस हो गई फर्टिलाइजेशन। कौन सी हो गई, फर्टिलाइजेशन। जैसे ही जाइगोट की जो भी कैसा हो गए, डिप्लोइड, जैसे ही इसकी सेल डिवाइड करेंगी और बिकम कलेक्शन ऑफ सेल, बिकम कलेक्शन ऑफ सेल, यानी कि हम सिंपली क्या बोलेंगे, हमारा कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पर, माइटोसिस, जिससे 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जैसे कलेक्शन ऑफ सेल हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट जो भी यूटेराइन वाल, जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो भी यूटेराइन वाल होता है उसके साथ में ये अटैच हो जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, इम्प्लांटेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट में डिवीजन होगा यानी कि हमारी 4, 8, 16 सेल बनेगी। जैसे ही जो ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज बनेगी उसका यूटेराइन वाल के साथ में अटैचमेंट हो जाएगा और ये जो प्रोसेस होती है कौन सी होती है, इम्प्लांटेशन। उसके बाद नेक्स्ट इज गेस्टेशन। गेस्टेशन में क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो भी ब्लास्टोसिस्ट और जो एम्ब्रियो होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर हमने रीड किया कि जो भी यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, जैसे ही देखो सेल हमेशा डिवाइड करती रहेंगी, यहाँ पर एम्योनियोटिक सैक
जैसे ही यहाँ पर एम्योनिटिक सैक डेवलप हो जाएगा, जो भी ब्लास्टोसिस्ट होता है उसमें एम्योनिटिक सैक डेवलप हो जाएगा, तब हम क्या बोलते हैं, क्या बन गया है वो, एम्ब्रियो। जैसे ही एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है दैट पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पर जो भी एम्ब्रियो था उसकी डेवलपमेंट हो चुकी, जैसे ही कोई भी जो बॉडी होती है उससे बाहर जो भी बेबी होता है उसकी जो डिलीवरी की जो भी प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। एक बार देख लीजिए, फर्स्ट वन इज क्विक रिविजन, फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, जो भी हमारे गैमिट्स बन जाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, इंसेमिनेशन, जो भी मेल गैमेट होगा उसका जैसे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन, जो भी यहाँ पर इंसेमिनेशन होने के बाद जो भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। नेक्स्ट, जैसे ही जाइगोट में डिवीजन होगा यानी कि हमारी 4 से 8 to 16 to 32 सेल बनेगी, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, वो ब्लास्टोसिस्ट बन गया। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वाल के साथ में अटैच हो जाएगा दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। उसके बाद गेस्टेशन में क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी यानी कि जो भी ब्लास्टोसिस्ट है उसमें एम्ब्रियोनिक सैक डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद जो भी पीरियड होगा जिसमें एम्ब्रियो होगा उसकी डेवलपमेंट होगी दैट पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। उसके बाद लास्ट हमारे स्टेप आता है पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। थैंक्स।